कराची में एमक्यूएम के गढ़ लियाकतबाद में पीपल्स पार्टी का पिंडाल सज गया है। जियाले और जियालियों ने भी तैयारी पकड़ ली है। बिलावल भुट्टो गरमाएंगे कारकुनान का खून। पीपल्स पार्टी का टैंकी ग्राउंड में स्टेज तैयार हो गया है। सिक्योरिटी के भी सब इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात क्या है आजाद नोहरियो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। आजाद नोहरियो बताएगा पिंडाल सज गया है, कैसी तैयारियां हैं। पीपल्स पार्टी की जानब से 44 बरस के बाद भी आज जो है कराची का दिल सेंट्रल जिला लियाकतबाद का इलाका जहां पर जो है सियासी पावर शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से जो है जलसा के इंतजाम तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। 12 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज बाबा तौर पर तैयार किया गया है। इस वक्त जो है जियालों को पिंडाल से बाहर निकाला गया है। सिक्योरिटी का जो मामला था उस हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानब से सर्चिंग का अमल जारी है। सर्चिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद भी जियालों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त होगी। 6 मुख्तलिफ जो है वॉक थ्रू गेट हैं जहाँ पर जो है कारकुनान को दाखिल होने की इजाज़त होगी। इस वक्त देखा जा सकता है 2000 से ज़ायद पुलिस के जवान जो है जलसे गाह के अंदर और इतराफ में जो है तैनात किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 6 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा होंगे, वो भी जलसे आम से खिताब करेंगे। ये वो इलाका है एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता था। यहाँ से इसी इलाके में कभी परंदर पर नहीं मारा, यहाँ पर पतंग ही पतंग होता था, लेकिन आज उसी इलाके में तीर का निशानी मंजर पर है। देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी अपना सियासी पावर यानी आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर राबता मुहिम का आगाज जो है आज लियाकतबाद से करने जा रही है। ठीक है, आजाद लोडी बताएगा कि यहाँ पर जोशो खरोश दीदनी है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आएंगे, खिताब करेंगे, उनकी उड़ीक में है तमाम लोग। कब आएंगे यहाँ पर और कब बाकायदा आगाज होगा जलसे का। जी बिल्कुल, कुछ देर के बाद में जियालों की एंट्री बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद में जैसे पिंडाल सजने लगेगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर पार्टी के रहनुमा भी यहां पर पहुँचे हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत के बायस सख्त गर्मी है, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में जियाले जो है इस यहाँ जलसे गाह से बाहर मौजूद हैं। जैसे मौसम खुशगवार होगा तो जियालों की आमद का सिलसिला पिंडाल के अंदर बाज़ाब्ते तौर पर शुरू हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज खासतौर पर कराची में अमन अमान के हवाले से, कराची की तरक्की के हवाले से, कराची के शहरियों को इंतहाई अहम पैगाम भी अपने खिताब में देंगे। पहली बार जो है बिलावल भुट्टो की जरदारी की एंट्री यहाँ पर हो रही है। इससे कबल 44 बरस कबल यहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर इलेक्शन सैयद अब्दुल्ला शाह ने यहाँ के दौरे किए, लेकिन ऐसा कोई जलसा यहाँ पर नहीं हो सका सवाए एमक्यूएम के। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 44 बरस के बाद यहाँ पर दबंग एंट्री देने जा रही है। जियालों के काफिले रवाना है, कुछ ही देर बाद पिंडाल भी भरेगा। बहुत शुक्रिया।